क्योंकि यीशु मेरा उद्धार करता है। बोलिए ये मैं खुश हूं। पता लगना चाहिए कि आप खुश हैं, है ना? कुछ बेचारे कुछ तो बहुत खुश हैं, बोलो, और कुछ ऐसे नहीं। मैं खुश हूं कि यीशु मेरा उद्धार करता है। मैं आनंदित हूं क्योंकि यीशु मेरा छुटकारा देने वाला है। मैं खुश हूं क्योंकि यीशु मेरा उद्धार करता है। सुनिए एक दूसरे, वो कोई तो अकेले ही खड़ा हुआ कह रहा, मैं खुश हूं अकेले। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है जो दूसरों में खुश रहता है वो मसीह का चेला है। अकेला तो आप अकेले ही मस्त हैं, है ना? क्या कहते हैं, बाइबल कहती है कि जो दूसरों के हित की चिंता करता है वो ज़्यादा आनंदित रहता है। यदि आप दूसरों को खुश रखते हैं तो वो टफ है, खुद को खुश करना तो बड़ी आसानी बात है, बहुत आसान है। इसलिए हम दूसरों के साथ, सबके साथ मिलकर चलेंगे। बाइबल कहती है इजरायली लोग मिलकर लाल समुंदर को पार किया, हाँ या ना? कि अकेले अकेले ने, तू आना कि नहीं आना? नहीं आना, ना मैं जा रहा, ऐसा था नहीं था। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी को कहते हैं आप मेरे साथ चलो और कोई साथ नहीं चलता, तो आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं भैया, आप अपना हिसाब देंगे, मैं अपना हिसाब दूंगा, मैं उनको अपना मित्र बनाऊंगा जो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो फिर एक बार फिर से आप एक दूसरे की तरफ देखिए, बोलिए मैं आनंदित हूँ, मैं यीशु के नाम में आनंदित हूँ, मेरा उद्धार करता। क्या आपको मालूम है कौन है उसके? मेरे उद्धार करता का नाम यीशु है। मेरे उद्धार करता का नाम यीशु है। मेरा छुटकारा देने वाला यीशु है। यीशु है। सुनिए, क्यों कुछ लोग वहां पीछे खड़े हैं मुझे कह रहे हैं यीशु है? मुझे मत बताइए, एक दूसरे को बताइए कि यीशु उद्धार करता है, मेरी मुक्ति देने वाला यीशु है, मुझे पाप से छुड़ाने वाला यीशु है, मुझे यीशु ने पाप से छुड़ाया है, मुझे यीशु ने पाप से छुड़ाया है, यीशु मेरा छुड़ाने वाला है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है। यीशु के लहू में उद्धार है, आपका उद्धार है। यीशु के लहू में आपका उद्धार है। सुनिए, उंगली करनी है, उंगली करनी है, है ना? आपका उद्धार है, मेरा उद्धार है। यीशु के लहू में आपकी मुक्ति है। यीशु के लहू में आपके पापों की मुक्ति है। यीशु जीवित है। यीशु मेरा उद्धार करता है। यीशु मेरा छुटकारा देने वाला है। यीशु के नाम में मैं आनंदित रहता हूँ। हम आनंदित रहते हैं। अच्छा, एक बार थोड़ा सा स्माइल पास कर एक दूसरे को देखिए। सब देखेंगे, सब स्माइल पास कर देखिए और उनसे कहिए, आपको मालूम है मैं खुश क्यों हूँ? क्योंकि मैं पापों से आजाद हो गया, हमने पापों से स्वतंत्रता प्राप्त की है। सुनिए, यदि आपने नशे से आजादी पाई है या फिर आपने ईर्ष्या से आजादी पाई है, आप प्यार नहीं करते थे तो आज आप प्यार करने लगे हैं, या आप चिढ़ते थे, या आप नफरत खाते थे, या आप
के अंदर अलग अलग विचार आते थे या आप किसी दूसरे से ईर्ष्या करते थे, तो आज आप प्यार करते हैं तो उस प्यार की भावना से एक दूसरे की ओर देखकर बोलिए, मैं बदल गया। सुनिए, मैं बदल गया, मुझे यीशु ने बदल दिया है। सुनिए सुनिए, मैं बदल गया हूं, मैं बदल गया हूं। या फिर एक और चीज बोलिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, है ना। सुनिए, हाँ, ये वेरी गुड। हम यीशु के नाम में आनंदित हैं, हम बदल गए हैं, ईर्ष्या से बदल गए हैं, घमंड से बदल गए हैं, हम बदल चुके हैं। अब हम वैसे ना रहे जैसा संसार है, हम बदल चुके हैं, हम में यीशु का लहू काम करता है, हम में यीशु की सामर्थ काम करती है, हमारी हाँ की हाँ रहती है, हमारी ना की ना रहती है। सच है ना, कहीं ऐसा तो नहीं आपने हाँ की हो और फिर ना में चल रहे हो। कई लोग ना कर कर हाँ में चलते हैं, कई लोग हाँ कर कर ना में चलते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, असलियत में प्रभु की औलाद वो है जो हाँ कर कर हाँ में चलता है। प्रेज द लॉर्ड, ना कर दिया तो ना, हाँ कर दिया तो हाँ। बाइबल कहती है जो धर्मी लोग हैं वो विश्वास से जीवित रहते हैं और एक साथ चलने की सामर्थ रखते हैं। आमेन। प्रेरितों का समय पढ़िए आप, मैं एक बात बोलूंगा आपको, आप सब प्रेरितों के काम जरूर पढ़ें। प्रेरितों के काम में आपको पता लग जाएगा पुराने समय में सेवक विश्वासी कैसे होते थे, और जैसे वो होते थे वैसे हमें होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, हम प्रेरितों का समय लेकर आएंगे, हम प्रेरितों की तरह जीवन जिएंगे, हम प्रेरितों की कलीसिया की तरह ही चलेंगे। प्रेरितों की कलीसिया कुछ भी आपस में मतभेद पैदा नहीं करती थी, उनका सब सांझे का होता था। वैसे ही हम भी होंगे, हमारा सब कुछ सांझे का होगा, हमारा घर सांझे का होगा, हमारी धन दौलत सांझे की होगी,